में भीषण सड़क हादसे में परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोगों की हालत गंभीर है। मरने वाले सभी एक ही परिवार से थे। बताया जा रहा है कि सभी लोग एक्सयूवी गाड़ी में सवार होकर उत्तर प्रदेश के विंध्याचल से दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे। गजरागंज थाने के बीबीगंज के पास NH922 पर कार के ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया। अचानक गाड़ी रोड के डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि हादसे में माता पिता, बेटा बेटी और मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घर की बहू और एक बच्ची बाल बाल बच गई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, आसपास के लोगों की भीड़ लग गई है। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और फिलहाल जांच में जुट गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मरने वाले सभी अजीमाबाद थाना क्षेत्र के कमरियार गांव के निवासी थे। सभी लोग पटना के बेली रोड स्थित अपने मकान में रहते थे। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि अजीमाबाद थाना क्षेत्र की कमरिया गांव निवासी भूप नारायण पाठक अपने पूरे परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के विंध्याचल मंदिर में पूजा करने गई थी। दर्शन कर सभी लोग वापस लौट रहे थे, तभी बीबीगंज के समीप गाड़ी चला रहे भूप नारायण पाठक के पुत्र विपुल पाठक की आंख लग गई और तेज रफ्तार गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। इसमें मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई, 2 सदर अस्पताल लाने के दौरान दम तोड़ दिए और 3 लोग जख्मी हो गए हैं। मृतकों में 55 वर्षीय भूप नारायण पाठक, उनकी पत्नी रेणु देवी, पुत्र विपुल पाठक, पुत्री अर्पिता पाठक और पोता समर्थ पाठक शामिल है। जख्मी में बहू मधु पाठक, पोती समृद्धि और भतीजे खुशी पाठक शामिल है। सभी लोग सदर अस्पताल में इलाजरत हैं। मृतक विपुल पाठक के साले अंकित ओझा ने बताया कि सुबह सूचना मिली कि आपके बहनोई की दुर्घटना में मौत हो गई है। हम लोग भागे भागे सदर अस्पताल पहुंचे कि यहां देखे कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है और बहन समेत 3 लोग जख्मी हैं। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि सुबह 5 बजे बहुत जोर की आवाज हुई। हम लोग जब मौके पर पहुंचे तो देखे कि गाड़ी के अंदर से सड़क पर खून बह रहा है और गाड़ी का शीशा लॉक है। उसके अंदर कुछ लोग छटपट आ रहे थे। जैसे तैसे गाड़ी के दरवाजे को तोड़ा गया और अंदर से सभी को बाहर निकाल कर अस्पताल भेजा गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि गाड़ी चला रहे चालक की आंख लग गई थी, इसकी वजह से गाड़ी डिवाइडर में टकरा गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।